काशी से विश्व स्तरीय साहित्यकार, संगीतकार और अन्य कलाओं ने के कलाकारों ने विश्व स्तर पर धूम मचाई है, लेकिन काशी में ही उनकी कलाओं के प्रदर्शन के लिए कोई विश्व स्तरीय सुविधा नहीं थी। आज मुझे खुशी है कि काशी के कलाकारों, आर्टिस्टों को अपनी विद्या दिखाने के लिए, अपनी कला दिखाने के लिए एक आधुनिक मंच मिल रहा है। साथियों, काशी के पुरातन वैभव की समृद्धि ज्ञान की गंगा से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में काशी का आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के केंद्र के रूप में भी निरंतर विकास जरूरी है। योगी जी की सरकार, ये सरकार आने के बाद इस दिशा में जो प्रयास हो रहे थे उनमें और तेजी आई है। आज भी मॉडल स्कूल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक ऐसे अनेक संस्थान और नई सुविधाएं काशी को मिली है। आज सीपेट के सेंटर फॉर स्किलिंग और टेक्निकल सपोर्ट की जो आधारशिला रखी गई है, ये काशी नहीं पूर्वांचल के औद्योगिक विकास को भी ऊर्जा देगा। ऐसे संस्थान आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कुशल युवाओं के में प्रशिक्षण में काशी की भूमिका को और मजबूत करेंगे। मैं बनारस के युवाओं को, विद्यार्थियों को सीपेट सेंटर के लिए विशेष रूप से बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आज दुनिया के अनेक बड़े बड़े निवेशक आत्मनिर्भर भारत के महायज्ञ से जुड़ रहे हैं। इसमें भी उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। कुछ साल पहले तक जिस यूपी में व्यापार कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। इसका एक बड़ा कारण है यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है, कारोबार करने में भी अधिक सुविधा हो रही है। यूपी के कोने कोने को चौड़ी और आधुनिक सड़कों, एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम यहां तेजी से चल रहा है। डिफेंस कॉरिडोर हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो या गंगा एक्सप्रेसवे, ये इस दशक में उत्तर प्रदेश के विकास को नई बुलंदी देने वाले हैं। इन पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, गाड़ियां ही चलेगी ऐसा नहीं, बल्कि इनके इर्द गिर्द आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने वाले नए औद्योगिक क्लस्टर भी तैयार होंगे।